फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चने के बेनिफिट्स के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको चने के फायदों के ऊपर फुल डिटेल देंगे, ताकि आप भी चने के फायदों का लाभ उठा सको। चने के फायदे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चने के अंदर कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और कैलोरी होती है। 100 ग्राम कच्चे चने में 20 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 62 ग्राम कार्ब्स एंड 378 कैलोरी होती है। कच्चे चने से मतलब है कि अगर आप चने को पानी में भिगोकर खाएं, तो वो कच्चा चना ही कहलाएगा। और अगर हम बात करें 100 ग्राम उबले हुए चने की, तो इसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट, 27 ग्राम कार्ब्स एंड 164 कैलोरी मिलती है। अब बात करते हैं चने के बेनिफिट्स की। नंबर 1, 25 ग्राम काले चने रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से डायबिटीज की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 2, गरम चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांधकर सूंघने से नजला ठीक हो जाता है। नंबर 3, मोटापा घटाने के लिए नाश्ते में चने लें। चना रात को भिगोकर रख दें और सुबह को एक मुट्ठी चना खा लें। कोशिश करें चना जब अंकुरित हो जाए तब खाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए आपको ज्यादा दिन तक चनों को भिगोकर रखना पड़ेगा। नंबर 4, अंकुरित चना 2 से 3 साल तक लगातार खाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। नंबर 5, चना पाचन शक्ति को संतुलित और साथ ही दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। नंबर 6, चने से हमारी बॉडी का खून साफ होता है, जिससे हमारी त्वचा भी निखरती है। नंबर 7, भुने हुए चने रात में सोते समय चबाकर गर्म दूध पीने से सांस की नली के अनेक रोग और बलगम की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 8, चने में शहद मिलाकर पीने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है। नंबर 9, रात के पानी में भीगे हुए चने को लगातार 1 से 2 महीने तक खाने पर वीर्य में बढ़ोतरी होती है और पुरुषों की कमजोरी से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। और अगर आप इसके ऊपर दूध पी लें, तो वीर्य का पतलापन भी खत्म हो जाता है। नंबर 10, बार बार पेशाब जाने की बीमारी में भुने हुए चने खाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। और भुने हुए चने के साथ गुड़ मिलाकर खाने से मूत्र से संबंधित सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चने नहीं खाते हैं, तो आज ही से चना खाना स्टार्ट कर दें और इससे होने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।